हेलो सो, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे ब्लॉग में। मैं हूं अशोक बसो। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं यहां पे ये यामाहा का एक मिक्सिंग कंसोल। आप सभी के ये डिमांड थे कि भैया छोटा मिक्सर लेके आइए और यामाहा के आप वीडियो ज़रूर करिए। तो कोशिश ये है कि आपको वन बाय वन करके आपको हर एक एक वीडियो जो है वो मिलता जाएगा। पहला जो कि वीडियो है यहाँ पर यामाहा का, वो ये है भाई, ये 10 जो है ये 10 चैनल का, यहाँ पे देख लीजिए, ये आपको 10 चैनल का मिल जाता है। ठीक है, तो इससे हम स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन करके बहुत सारे मॉडल्स आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। डिटेलिंग से जानेंगे, अनबॉक्सिंग स्टार्ट करेंगे और मार्केट में डुप्लीकेट भी बहुत ज़्यादा बिक रहा है, तो एक आपको मालूम भी चल जाएगा कि ओरिजिनल की पहचान क्या है, कैसा दिखता है, कैसा क्वालिटी होता है और हम लें तो कौन सा लें, ये भी आपको आइडिया मिल जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे मिक्सर की बॉक्स पैकिंग पे आपको यहाँ पे यामाहा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। बेसिकली ये जो मॉडल है ये आपको देखने को मिलता है MG सीरीज के अंदर, MG 10X। इसमें एक दो मॉडल और भी आते हैं जो कि हमारे 10 चैनल या फिर 10 नंबर में जो है वो और भी मॉडल्स आपको देखने को मिलते हैं। फिलहाल में अगर मैं बात करूँगा तो साइड में आपको यामाहा की अगेन ब्रांडिंग है, यहाँ पे अलग कुछ जापानीज, कुछ अलग भाषा और भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है, ये आप देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे जो लिखा है मेड इन मलेशिया, तो ये ओरिजिनलिटी की पहचान या फिर कह लीजिएगा अगर आपको यामाहा देखना है तो ये भाई मलेशिया ही मेड का होता है, कंपनी हमेशा ये देती है। बाकी यहाँ पे इसके कुछ हाइलाइट्स पॉइंट्स यहाँ पे जो मेंशन करे गए हैं, एक पिक्चर आपको क्लियर देखने को मिल जाती है। साइड में जो कि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये कहाँ पे आता है, कहाँ से निकलता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन है। एक MRP प्राइस भी आपको देखने को मिल जाता है। इसका ये सबसे मेन चीज़ होता है जो कि आपके बिल पे आपको मिलता है सीरियल नंबर, तो यहाँ पे ये मेंशन है। ठीक है ना, तो फटाफट से चलिए मैं इसको अभी यहाँ पे अनबॉक्स कर लेते हैं। ये एक स्टिकर भी लगा होता है यामाहा का, ये ओरिजिनलिटी की पहचान भी देता है। मैं इसको फटाफट से भी इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ, चलिए इसको मैं खोल लेता हूँ। पैकेजिंग जो है वो यामाहा की तरफ से इनके मिक्सर की जितनी भी होती हैं वो बहुत ही बेहतरीन होती हैं और पैकिंग का मानना पड़ता है भाई। खोलते के साथ यहाँ पे सबसे पहले जो है वो आपको ये एक अडेप्टर मिलता है, साइड में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये एक अडेप्टर मिल जाता है, इसका मेन होता है। और ये एक फॉर्म आपको देखने को मिलता है, फॉर्म शीट लगा हुआ है। इसके बाद जो है मेन यूनिट ये हमारा मिक्सर हो जाता है। ठीक है ना, दूसरी चीज़ यहाँ पे इसका ये यूज़र मैनुअल, यहाँ पे देख लीजिए ये यूज़र मैनुअल मिक्सिंग कंसोल का स्पेशल सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन है और कुछ इसके अंदर नहीं है, खाली है। ठीक है ना, तो अभी मैं आपको यहाँ पे मिक्सर प्लस यहाँ पे जो कि इसकी पावर सप्लाई है वो भी मैं दिखाता हूँ। तो ये है दोस्तों इसका यहाँ पे इसका मेन पावर या अडेप्टर कह सकते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है, मतलब लगता है कि आपको हाथ में पकड़ने के बाद। बाकी यहाँ पे इसके इस तरीके से आपको ये कनेक्टर मिलता है, ये आपके डायरेक्टली यहाँ इस साइड पिन होगा, ये देख लीजिए यहाँ पे आपको ये पिन्स टू पिन्स मैच करना है, जैसे आप XLR में करते हैं ना, 3 पिन होती है, सिंपली इसको ऐसे लगा दीजिए और ये यहाँ पे लॉक कर दीजिए तो ये हो जाएगा। और ये चूड़ी वाला होता है तो आप इसको इजीली ऐसे अनप्लग भी कर पाएंगे, 2 पिन प्लग हो जाता है, इंडियन सॉकेट्स में इजीली होता है। बेसिकली इसके अंदर अलग अलग भी आपको प्लग्स मिलते हैं, कुछ यहाँ पे यूरोप के होते हैं, कुछ यहाँ पे एशिया के लिए बनाए जाते हैं, कुछ यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से अलग अलग बनाए जाते हैं। मेन यूनिट है हमारा यहाँ पे ये दोस्तों मिक्सर। मिक्सर में अभी आपको यामाहा की ब्रांडिंग यहाँ पे मिक्सिंग कंसोल MG 10X, ठीक है ना, यहाँ पे मेंशन है 10X में बेसिकली आपको जो कि इफेक्ट्स मिलते हैं वो यहाँ पे ये 24 इफेक्ट्स मिल जाते हैं। इसमें एक प्लेन भी आता है, तो प्लेन भी जो है वो आपको इन फ्यूचर अगर आप कहेंगे दिखाने के लिए तो दिखा दूंगा। बाकी यहाँ पे आउटपुट्स आप देख लीजिए, इनपुट्स देख लीजिए। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पे इनपुट्स की बात करें दोस्तों, यहाँ पे बात करें टेस्टिंग के लिए, तो टेस्टिंग के लिए मैंने एक छोटा सेटअप यहाँ पे लगा रखा है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये मिक्सर देखने को मिल जाता है जिसमें मैंने यहाँ पे ये पावर इनपुट कर दिया है पीछे से, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे ये दो आउटपुट्स निकाले हैं, ये मेरे दोनों जो आउटपुट्स हैं इस एम्पलीफायर में गए, जो कि अभी हम जैफर का यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे इनपुट के अंदर मैंने एक ये माइक्रोफोन जो है वो अटैच करा हुआ है अपने वन इनपुट पे, ठीक है ना। ओवरऑल एक टॉप जो है यहाँ पे, दूसरा टॉप यहाँ पे हो जाता है, तो दोनों टॉप मेरे सामने ही हैं। और चलिए मैं अभी माइक से कुछ बोलता हूँ, इफेक्ट्स को मैं अभी ऑफ ही रखता हूँ, और जो कि अभी आपको आउटपुट मिल पा रहा है। सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ब्राई ब्रांडेड में यही सबसे पहले मालूम चल जाता है कि यहाँ पे कोई भी आपको हमिंग नहीं मिलती है। दोनों चैनल आप देख लीजिए फुल कराए हुए मैंने,
ठीक है ना, दोनों चैनल को मैंने फुल करा है। और कोई भी यहाँ पे वायर की क्वालिटी, एक पॉइंट ये है, वायर को क्वालिटी थोड़ा सा अच्छा रखना, थोड़ा सा बढ़िया वायर बना लेना, तो बिल्कुल भी जीरो हमिंग जो होता है ना, मतलब सिर सरहाट वाली भी वो नहीं आ रही है। ये एक सबसे पहला प्लस पॉइंट हो जाता है इन माइक जो कि मिक्सर्स हैं इनके अंदर। और जो मैं चीज़ यहाँ पे बोल रहा हूँ वाकई में मतलब क्वालिटी का मालूम चल रहा है कि हाँ वो मधुरता, वो क्वालिटी स्पीकर से मेरे पास आ रही है। और मतलब अनबिलीवेबल होता है भाई जब इन मिक्सर को आप टेस्ट करो, संतुष्टि से एक मिल जाती है आपकी वॉइस में, ऐसा लगता है कि अगेन कोई सिंगर गा रहा है। खैर होने में गाना आता नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक टेस्ट करके चीज़ें बता रहा हूँ। हेलो चेक, अभी गेन में मैंने काफ़ी अच्छा खोला हुआ है और वाकई में मतलब लगा। और यहाँ पे अभी ना आप देख लीजिए, ये देखिए इंडिकेटर भी मेरी बहुत कम चल रही है और यहाँ पे एम्पलीफायर भी जो है वो अगेन काफ़ी अच्छा आउटपुट हमको दिखा रहा है। यहाँ पे तो इंडिकेटर जल ही नहीं रही है, ये देखिए। अभी मैं गेन को जब थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा ना, तब जाके वहाँ पे इंडिकेटर और बढ़ेगा। तो -20 dB, अगेन -20 dB का यहाँ पे जो है वो इंडिकेटर चल रहा है, लेकिन आउटपुट जो हमको मेरे को फील हो रहा है वो 0 dB से भी ऊपर का आउटपुट जो फील हो रहा है। तो इसमें एक ये प्लस पॉइंट हो जाता है कि गेन का एक तो सबसे पहले काम खत्म हो जाता है, बहुत कम गेन पे आप अच्छा आउटपुट निकाल पाते हैं, वो अच्छा ऑपरेटिंग कर पाते हैं। जब गेन साइड से बातें ज़्यादा खुलेगा नहीं तो आपको भी ज़रूरत नहीं है भाई स्पीकर्स में जो है वो विजलिंग आ रही है, इसको इधर चेंज करो उधर चेंज करो। खैर वो भी पॉइंट होता है कि डायरेक्शन भी एक अच्छी चीज़ होती है, लेकिन गेन से काफ़ी फर्क पड़ता है। बाकी इफेक्ट्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे इफेक्ट्स मैं ये ऑन कर देता हूँ। इफेक्ट्स में जैसे मैंने बताया बैकलाइट आपको मिलती है और इफेक्ट्स का ये लेवल है, इसको कम ज़्यादा दे सकते हैं कर सकता हूँ। अभी मैं ज़्यादा कर दूँगा तो यहाँ पे इसका इफेक्ट्स का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। 1 पे है, 2 का आप देख लीजिए, ये 2 है। रिवर्ब प्लस मैं आपको एक अच्छा सा इको दिखाता हूँ, ठीक है। 6 नंबर को ले लेते हैं, सॉरी 6, अरे हाँ ठीक है। हेलो 1 2 चेक, हेलो चेक, हेलो चेक 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 चेक। तो यह है उसको इको, 1 से लेके आपको 24 तक जो है वो मिल जाते हैं। अभी मैं आपको 24 नंबर का भी दिखा देता हूँ, ये लीजिए 24 आ गया, सॉरी 23 पे 24 पे हमें सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये 24 है, इसका पैरामीटर जो है आप चेंज कर सकते हैं। ये पिच चेंज है, इसमें आपको अलग अलग तरीके के आपके अकॉर्डिंग जो है वो आपको मिलता है। 22वें नंबर पे आप देख लीजिए, हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो 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 हेलो, ये रेडियो वॉइस हो जाता है, ऑटो वॉइस आप कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें। तो अपने अकॉर्डिंग जो है वो इसके अंदर आप पैरामीटर को कम ज़्यादा करके अलग अलग यहाँ पे वॉइस या फिर आप अपना इफेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको मिल जाता है एक तो, इसके अलावा यहाँ पे जो कि इनपुट्स हैं और भी आपको 4 मिल जाते हैं। तो 4 तो आप यहाँ पे प्रॉपर चला जाए, इसके बाद यहाँ पे आप स्टीरियो टाइप का जैक्स यूज़ करके या फिर आपको कुछ इनपुट देना है, आपको सॉन्ग्स प्ले करने हैं, तो आप यहाँ से इसको RC से भी इनपुट दे सकते हैं। ये 2 आउटपुट है, 2 और यहाँ से आप ले सकते हैं, मॉनिटर के लिए आप अलग से ले सकते हैं। तो ये मॉनिटर्स के भी आपको अलग आउटपुट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो मान के चलिए आपके पास 6 है, तो आउटपुट ऐसे ही आपको यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं। और मिक्सर के भाई क्वालिटी के बारे में बताना क्या मैं बोलूँ, आप सभी को मालूम है यामा के बारे में, क्वालिटी भाई बेस्ट होता है, कोई हमिंग नहीं है, बहुत पसंदीदा लगा। पर्सनली मेरा भी जो फेवरेट है या फिर कह लीजिए जो कि इनकी MG सीरीज़ है, खास करके MG 32, बहुत बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे रहा, बहुत ज़्यादा डिमांडेबल मिक्सर है। बट अभी वो फ़िलहाल में डिसकंटिन्यू हो गया है, लेकिन वो तब से जब मैंने सुना वो इस मिक्सर को तो फेवरेट से हो गए मेरे यामा के मिक्सर। और फिलहाल में भी 10 है, इसके बाद जो है वो और भी मॉडल्स आपको कंटिन्यू देखने को मिलेंगे इस चैनल पे। चलिए आगे ड्रिल भी हम देख लेते हैं। दोस्तों कैसे लेके टेस्ट करेंगे, कैसा लगा दोस्तों इस मिक्सर का परफॉर्मेंस या इस मिक्सर का क्वालिटी, ज़रूर नीचे कमेंट्स बताना। अभी यहाँ पे ये पहला वीडियो है मेरा यामा के साथ में और काफ़ी अच्छा लगा मुझे इनके प्रोडक्ट का क्वालिटी। दूसरा यहाँ पे इन फ्यूचर जो है बहुत सारी आपको वीडियो मिलने वाली हैं, अभी 10 से स्टार्ट करा है, इसके बाद 12, 16 और भी बड़े बड़े जो मॉडल्स हैं हम लेके आएंगे या फिर नए नए जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे जैसे लॉन्च होते तो हम उनको भी यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं। फिलहाल मैं बात करूँ इस मिक्सर का ऑब्जेक्शन आप लोगों के लिए या फिर किन लोगों को लेना चाहिए। सबसे पहला जो कि मेरा पॉइंट ये लगता है कि यहाँ पे कोई एक्टिव सिस्टम लेके चल रहा है, उसे एक ऐसा मिक्सर चाहिए भाई जो कि कॉम्पैक्ट हो, मेरा यूज़ सिर्फ 2 से 3 या 4 चैनल के अंदर हो जाए, तो ये मिक्सर उनके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। इफेक्ट के अंदर मैं कहूँगा भाई मार्केट में आप सस्ते मिक्सर ले तो लेते हैं,
लेकिन भाई जो ब्रांड आपको क्वालिटी देता है, जो ब्रांड आपसे पैसा लेता है, वो वैल्यू फॉर मनी ही होता है। तो एक बारी पैसा लगाइए लेकिन अच्छा लगाइए, और यामाहा की जो टोन की क्वालिटी होती है वो वाकई में हर किसी को पसंद आ जाती है। तो पर्सनली मेरा रिकमेंडेड भी यहाँ पे, जो कि आप पूछते हैं कि कौन सा मिक्सर लें या फिर अदर ब्रांड से भी कंपेरिजन करते हैं, तो मैं यामाहा को ही ज़्यादातर जो है वो यहाँ पे सजेशन में सबसे पहले डालता हूँ। और इस मिक्सर में एक तो यह है कि इसका प्राइस बहुत अच्छा है, दूसरा कॉम्पैक्ट साइज़ है, कहीं भी इजिली फिट हो जाता है, कहीं भी किसी की पॉकेट में भी आ जाता है भाई। हाँ, पॉकेट फ्रेंडली जो है वही आपको मिलता है। प्राइजेस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ये व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। प्राइस जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, अगेन स्टॉक्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है भाई कंपनी में, और माल पीछे से बहुत ज़्यादा शॉर्ट रहता है, तो प्राइजेस जो है वो चेंज कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो आप एक्यूरेट प्राइस लेने के लिए व्हाट्सअप करिए या फिर जिस दिन आपको मन बने कि भाई आपको लेना है यामाहा का प्रोडक्ट तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अच्छी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।